my previous video, I discussed about the second chapter, the address written by Marga Minko. I explained you the overview of the chapter and a detailed discussion about the characters. So now proceeding on to the story, let us get started without wasting our time. So do you still know me? I asked. I here refers to the narrator, Marga. And that woman who was on the door, she just opened a chink, ek chota sa opening, thoda sa khol kar dekha. Ye unke seedhiyon par khadi thi unke ghar ke bahar. So she came closer. Ne kaha, no, I don't know you, us lady ne kaha. Inhone apna reference diya ki I am Mrs. S. daughter. To ye jo lady thi jinhone darwaza khola tha, she had kept her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Shayad उस दरवाज़ा वो दरवाज़ा ज़्यादा ना खुले इस बात को इंश्योर कर रही थी. हाँ, उनके चेहरे पर उन्होंने ऐसा शो किया जैसे वो इस लड़की को बिल्कुल नहीं पहचान रही हैं. एंड शी केप्ट स्टेयरिंग इट मी इन साइलेंस. स्टेयरिंग मीन्स टू लुक फिक्सिडली. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. अब नैरेटर को भी लगा कि शायद मुझसे गलती हो गई है, कहीं ना कहीं लग रहा मैं कन्फ्यूज़ होकर आ गई हूँ. इट इज़न्ट हर, लगता है ये वो लेडी नहीं है, जहाँ मुझे आना था ये वो नहीं है. ठीक है, आई हैड सीन हर ओनली वंस. और हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार उनको देखा है, एंड दैट टू फ्लीटिंगली, बस वेगली, हल्का सा ऐसे देखा है, और वो भी कई सालों पहले. तो ये हो सकता है, प्रॉबेबल है, परहैप्स इनसे गलती हो गई कि इन्होंने गलत घंटी बजा दी, गलत घर में आ गई है. तो अब उस लेडी ने क्या किया, वो दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई. शी स्टेप्ड आउट ऑफ द डोर, एक साइड में आके खड़ी हो गई. जैसी नैरेटर ने उस लेडी को देखा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, जिसको मैं पूरा मार्क कर रही हूँ और डॉट लगा रही हूँ, उसको प्लीज़ आप भी मार्क कर लीजिएगा. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. नैरेटर ने देखा कि इस लेडी ने मेरी माँ का स्वेटर पहना हुआ है ग्रीन कलर का, क्योंकि वो कभी भूल नहीं सकती थी. उसके वुडन बटन्स जो थे वो धुलते धुलते बिल्कुल पेल हो गए थे, पीले हो गए थे. और उस लेडी को समझ में आ गया कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, तो उन्होंने अपने आप को फिर छुपाने की कोशिश की दरवाजे के पीछे जाके. अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, मैं बिल्कुल सही थी, इन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला नैरेटर ने, आप मेरी माँ को जानती हैं. तब अब उस वुमेन को लगा कि अब तो कोई चारा नहीं है. उसने कहा, अच्छा तुम आ गई, मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा. तो नैरेटर ने बोला, सिर्फ मैं आई हूँ. अब इस नैरेटर को ऐसा महसूस हुआ कि जो है कोई दरवाजे के पीछे से देख रहा है इन लोगों को. ठीक है, पैसेज से. तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक मस्टी सी स्मेल, बहुत ही गंदी सी, डैम्प सी स्मेल, जैसे सीलन की स्मेल होती है, वैसी स्मेल आई. और उस लेडी ने कहा, आई रिग्रेट, आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. उसने कहा, देखिए मैं स्पेशली आई हूँ यहाँ पर ट्रेन से, और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. उसने कहा, नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, मैं तुमको फिर कभी मिल लूँगी. और ऐसा कह के शी जस्ट नोडेड एंड कॉशियसली, बहुत ही केयरफुली उसने दरवाज़ा बंद किया ताकि घर के अंदर कोई डिस्टर्ब ना हो सके. और ये बेचारी स्टेप पर खड़ी रही सीढ़ियों पर, लेकिन ये महसूस कर सकती थी कि एक बे विंडो था, एक खिड़की थी, उसका कर्टन हटा है और कोई उसे स्टेयर कर रहा है. और शायद फिर उस लेडी से पूछा भी गया कि क्या हुआ या कौन था, तो उस लेडी ने जवाब दिया, वो कुछ नहीं था. ठीक है, अब नैरेटर ने जब नंबर प्लेट की तरफ देखा, नेम प्लेट की तरफ सॉरी, तो वो प्लेट को बार बार देख रही थी, उस पर डार्लिंग लिखा था. ठीक है, ब्लैक लेटर्स में, वाइट इनामल, वाइट पेंट पर. इनामल का मतलब होता है पेंट. वाइट पेंट पर ब्लैक कलर से डार्लिंग लिखा था, यानी डार्लिंग का घर था. ये कभी इनसे गलती नहीं हो सकती थी. और जैम पर, यानी जो साइड पोस्ट होता है दरवाजे या खिड़कियों पर, उनको जैम बोलते हैं, वो थोड़ा सा ऊंचे पर था, उससे ऊपर उस वाइट इनामल पेंटेड नेम प्लेट के ऊपर, और उस पर लिखा था नंबर 46. तो जैसे ही ये, अब चूँकि यहाँ से निराश हो गई, तो ये स्टेशन की तरफ जाने लगी. और
माँ के बारे में सोच रही थी, जो सालों पहले माँ ने मुझे एड्रेस दिया था उसके बारे में सोच रही थी। और वो तब था जब फर्स्ट हाफ वॉर का चल रहा था, ये घर पर कुछ दिनों के लिए आई थी। इसे अचानक याद आया कि जब ये घर पर अपना वक्त गुजार रही थी कि मेरे कमरे में सब कुछ बदल गया है, हमारे कमरों में सब कुछ बदल गया है, कई चीज़ें मिसिंग हैं। और माँ बहुत सरप्राइज हुई ये बात सुन करके कि इस लड़की ने नोटिस किया, और फिर उन्होंने उसी दिन उसे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया था। इससे पहले नैरेटर ने कभी भी इस लेडी के बारे में माँ के मुँह से नहीं सुना था, शी हैड नेवर हर्ड अबाउट हर। माँ ने बोला कि वो उनकी कोई एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस मतलब कोई फेमिलियर पर्सन, ठीक है, कोई फेमिलियर पर्सन। तो माँ ने ये बताया कि वो कई सालों से नहीं मिली थी उनसे, और अचानक आज आ गई हैं, और अब उन्होंने कॉन्टैक्ट रिन्यू कर लिया है, तो तब से वो रेगुलरली आ रही हैं। तो एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग, उन्होंने कहा जब भी वो यहाँ से जाती हैं वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के जाती हैं। वो सारा टेबल सिल्वर लेकर गई हैं एक गो में, फिर एंटीक प्लेट्स लेकर चली गई हैं, और कई बार तो बड़ी मुश्किल होती थी इन लगिंग दोज लार्ज वासेस। लगिंग का मतलब होता है कैरिंग, और जब हैवी लोड आप कैरी करते हो, लार्ज वासेस मतलब फ्लावर पॉट्स, जो डेकोरेटिव वासेस होते हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं। तो माँ बोलती हैं कि मुझे चिंता है कि उनको क्रिक ना, क्रिक मतलब होता है मसल कैच हो जाता है, इस ये इतनी हैवी क्रॉकरी उठाने से उनको मसल कैच ना हो जाए, माँ ने कहा। और मैं उनको कभी कैसे बोलूँ कि मतलब, तो नैरेटर ने ही ये बोला कि माँ कभी आपने ये सारी चीज़ें हैं ठीक है, आप उनको देकर जा रही हैं, फिर ये वापस कैसे मिलेगा? तो उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं पूछ सकती, और बस इन्होंने ही, मिसेस डॉर्लिंग ने मुझे इंसिस्ट किया कि ये सारी ये प्रेशियस चीज़ें आपको सेव करनी चाहिए, तो बेहतर रहेगा आप मेरे पास छोड़ दीजिए इनको। तो और आप मान गई माँ कि सारी चीज़ें वो रख लें? उसने कहा तो ठीक है ना, इस वक्त मौके की नज़ाकत है, हम युद्ध में हैं, हम पता नहीं यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, और रिस्क भी तो है। वो कितना रिस्क उठा रही हैं, हर रोज़ आती हैं बैग और सूटकेस के साथ सामान भर के जाती हैं, तो कितनी इंसल्ट होगी अगर मैं उनसे बात करूं इस मसले पर। तो मेरी जो माँ थी वो साफ लग रहा था, वो साफ ये देख रही थी कि मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ उनके जवाब से, और शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, उन्होंने एक बहुत ही अनोइंग सा लुक दिया मुझे। और उसके बाद हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की। अब ये वो कब सोच रही हैं नैरेटर? जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर से ट्रेन से वापस आ रही हैं, इस दौरान वो सोच रही हैं, ठीक है। तब तक ये स्टेशन पे पहुंच गई हैं, और उन्होंने रास्ते में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब वो चल रही थी तो उन्हें ये सारी जगह फैमिलियर लग रही थी। और वॉर ख़त्म, वॉर के बाद ये पहली बार इस जगह पे आ रही थी, लेकिन ये गलियां, ये रास्ते नए नहीं थे इनके लिए। और हालांकि उन जगहों के बारे में वो एक बार याद भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक वक्त था जब वो एक एक चीज़ से यहाँ वाकिफ थी, लेकिन अब वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी इन गलियों को, घरों को देख करके, क्योंकि ये सारी उनके अंदर मेमोरीज़ को इवोक कर रहे थे, उनका पुराना वक्त, जो अच्छा वक्त माँ के साथ गुजरा है यहाँ पर, वो सारी मेमोरीज़ उनको वापस से याद आई। इन द ट्रेन बैक, मतलब पहली मुलाकात तो इनकी हुई थी मिसेस डॉर्लिंग की मिसेस एस के घर पर, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था, तो उसके बाद सेकेंड टाइम इन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को एक बार ट्रेन में देखा था कभी। खैर ये उस सुबह था जब इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, ये उसके अगले दिन ही, जिस दिन माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया था उसके अगले दिन ट्रेन में मुझे वो दिखी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा लेट उठी उस दिन। हुआ क्या था, जैसे फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग को कब नैरेटर ने देखा था वो ये बता रही हैं यहाँ पर, वो तब हुआ जब वो काफ़ी लेट उठी सो करके, और वो नीचे आ रही थी, तो इन्होंने देखा कि माँ किसी को सी ऑफ करने बाहर आई हैं गेट तक, और उस लेडी को का सिर्फ पीछे वाला हिस्सा दिख रहा था। शी वॉज अ लेडी विद अ ब्रॉड बैक, कमर उनकी काफ़ी चौड़ी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिसेस डॉर्लिंग को डिस्क्राइब कर रही है ये लाइन। तो माँ ने जैसे ही देखा मुझे, उन्होंने कहा वो देखो मेरी बेटी,
एंड शी बेकन टू मी. उन्होंने बेकन का मतलब क्या होता है, मोशन या टू कॉल समबडी विद द हेल्प ऑफ विद द मूवमेंट ऑफ हैंड. ठीक है, तो माँ ने इशारे से मुझे बुलाया. उस लेडी ने भी हाथ हिलाया, मतलब सर हिलाया अपना, और उन्होंने सूटकेस उठाया, कोट रैक के नीचे पड़ा हुआ था वो सूटकेस खींचा. अपना ब्राउन कोट उन्होंने पहना था और शेपलेस सी हैट पहनी थी. ये कभी इस लेडी को भूल नहीं सकती है, ठीक है ना. तो ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना. तो जब वो चली गई तो नैरेटर ने पूछा, माँ ये काफ़ी दूर रहती हैं क्या, इतना हैवी केस ये कैसे उठा के लेकर जाएंगी. तब माँ ने मुझे कहा था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं. तो ये बच्चों हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही है हमारे टाइटल, यही है हमारा टाइटल द एड्रेस, और यही एड्रेस आपको याद रखना है. ओके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. उसके बाद हम आते हैं. तो ये एड्रेस उनको याद रह गया था उस दिन के बाद से, और काफ़ी समय इनको इंतज़ार करना पड़ा इस एड्रेस तक पहुँचने में, क्योंकि वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद से फिर ये इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि ये वापस आएं उस जगह पर और माँ की वो चीज़ें हैं वो लें. बहुत डर लगता था उनको, क्योंकि उन सारी चीज़ों को कन्फ्रंट करने में, कन्फ्रंट मतलब टू फेस, फेस टू फेस मिलना उन चीज़ों को, जो चीज़ें उनको बिलोंग करती थी, जिनके साथ उनका कनेक्शन था, लेकिन अब वो कनेक्शन नहीं था. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मिसेज एस अब नहीं रही, यानी उनकी मदर यानी नैरेटर की मदर की डेथ हो चुकी है. तो बहुत दिनों तक तो इंटरेस्ट ही नहीं आया कि किसी कबर्ड में किसी बॉक्स में पड़ा होगा, ठीक है तो मैं नहीं जाऊंगी. लेकिन फिर अचानक से कई सालों के बाद उन्हें लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए. इतने सालों तक जब उन्होंने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चीज़ें थी, थिंग्स. बट ग्रेजुअली जब सारी चीज़ें स्लोली जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, ब्रेड जो है लाइटर कलर का हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ब्रेड का कलर लाइट हो गया, इसका मतलब ये है कि वो चीप हो गया, यानी खाना सस्ता हो गया. अक्सर वॉर वगैरह के वक्त जो है चीज़ें महंगी हो जाती हैं. एक बेड था जिसमें आप आराम से सो सकते थे बिना चिंता किए, ठीक है. एक रूम था जिसमें ये रहती थी. तो ये सारी चीज़ें जब नॉर्मलाइज हो गई, नॉर्मलसी की तरफ जब चीज़ें हो गई, तब इन्होंने नोटिस किया कि वो जो सारे पोजीशंस हैं वो अभी भी उसी एड्रेस पे पड़े हैं जो मेरी माँ ने बताए हैं. तो मुझे जाना चाहिए, मुझे उन चीज़ों को देखना चाहिए, उनको टच करना चाहिए और याद करना चाहिए. तो ये तो बीच में फिर वो सोच रही हैं. उसके बाद से अब जब पहली इनकी विजिट मिसेस डॉर्लिंग के घर वेन हो गई, इन वेन का मतलब होता है बेकार जाना, यूजलेस हो जाना. तो इन्होंने डिसाइड किया, नहीं मैं सेकेंड टाइम जाऊंगी. सेकेंड टाइम ये गई तो उन्होंने देखा कि एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला और इन्होंने पूछा, आपकी माँ है घर पर? उन्होंने कहा, नहीं माँ, माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड, वो शी इज़ गॉन आउटसाइड टू डू सम वर्क. तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी, ठीक है. तो इस लड़की को ने वो अपनी माँ की तरह नहीं थी, उसने अंदर बुलाया. ये भी पैसेज को फॉलो करते हुए कॉरिडोर से होते हुए, सॉरी वरांडा से होते हुए अंदर गई. इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ओल्ड फैशन आयरन हनुका पड़ा था, कैंडल होल्डर, बिल्कुल मिरर के बगल में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लेना. हनुका एक कैंडल होल्डर होता है पुराने फैशन का, जिसमें बहुत सारे कैंडल्स आप लगा सकते हो. ये क्यों पहचान गई? क्योंकि ये उनकी माँ का था और ये कभी नहीं यूज़ किया करते थे ये लोग, मतलब मिसेज एस और उनकी डॉटर, क्योंकि काफ़ी कंबरसम, बहुत हैवी था. तो माँ सिंगल कैंडलस्टिक यूज़ कर लिया करती थी. उस लड़की ने कहा, आप बैठेंगी नहीं? दरवाज़ा खोला उसने लिविंग रूम का, और ये बिल्कुल पास्ट के बारे में सोचने लगी. ये रुकी, हॉरिफाइड हो गई, क्योंकि ये ऐसे कमरे में थी. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अगेन ये, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. ये कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है ना, ये एक ऐसे कमरे में थी जिसे वो जानती थी लेकिन नहीं जानती है. समझ में आ रहा है कुछ? यानी कमरे में जो चीज़ें हैं वो सब जानी पहचानी हैं लेकिन ये जगह नहीं है, ठीक है. तो इन्होंने अपने आप को उन सारी चीज़ों के बीच में पाया जिनको वापस से वो देखना चाहती थी, लेकिन ये इतने गंदे एटमॉस्फेयर में थे कि ये बहुत ऑप्रेस हो गई, हर्ट हो गई. और बहुत ही टेस्टलेस तरीके से इन चीज़ों को अरेंज किया गया था. अगली फर्नीचर में भी, वहाँ पर जो फर्नीचर था उसकी वजह से वो मगी स्मेल, वो मस्टी स्मेल था, गंदी सी स्मेल आ रही थी सीलन की. इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो चीज़ों को देखे. उस लड़की ने एक चेयर दे दिया, ये बैठ गई, ये वुलन टेबल क्लॉथ की तरफ घूरने लगी. इसने उसको रब करना शुरू किया और रब जैसे जैसे कर रही थी,
इसकी उंगलियां गर्म हो रही थीं। और इसको जब वो लड़की दिखा रही, मतलब वो जब उसने ऑफर कर दिया, तो वो जो टेबल क्लॉथ पे जो टेबल था उसको चेक क्या कर रही है वहां पर, वो चेक ये कर रही है, वो पैटर्न देख रही है उसका, क्योंकि उससे लगा अगर ये मेरा है तो यहाँ पर कहीं बर्न मार्क होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रिपेयर नहीं किया गया होगा। तब तक उस लड़की ने बोला मेरी माँ जल्दी आ जाएगी, तब तक आप एक कप चाय पियेंगी? तो उसने कहा थैंक यू। ऊपर देखा लड़की जो है टी टेबल पे कप्स रेडी कर रही थी, और इसका भी शी हैड अ ब्रॉड बैग। तो अब कोई डाउट नहीं था कि ये मिसेस डॉर्लिंग की ही बेटी है, क्योंकि फिजिकली उनसे बहुत ज़्यादा अपीयर कर रही थी। ठीक है, तो अपनी माँ की तरह ही वो थी देखने में। तो उस लड़की ने जब टी रेडी किया, प्रिपेयर करना शुरू किया, तो वो एक वाइट पॉट था। उन्हें कहा अरे इस वाइट पॉट में तो एक गोल्डन बॉर्डर होना चाहिए लिड पर। और उसे तुरंत याद आया, उन्होंने बॉक्स खोला, कुछ स्पून्स निकाले, और इसको अपनी आवाज़ लगी कि अरे ये तो बहुत सुंदर बॉक्स है। यानी वो बॉक्स भी माँ का था। अजीब आवाज़ इसलिए लगी क्योंकि इस कमरे में जो भी चीज़ें थी सब उसकी माँ की थी, और उसके अंदर की आवाज़ ये कह रही थी कि तो हमारी है, ये चीज़ तो हमारी है। तो खैर उस लड़की ने वो घूमी और उसने कहा कि क्या आप जानती हैं, जो चाय लेकर आई, और वो हंसी, उसने कहा मेरी माँ कहती है ये सारा सामान ना एंटीक है, और हमारे पास ऐसा बहुत सामान पड़ा हुआ। और उसने पूरा पॉइंट आउट करके कमरे में दिखाया, देख लीजिए। तो नैरेटर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी उसके हाथों को फॉलो करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती थी इन चीज़ों को। और थोड़ी देर के लिए वो जो स्टिल लाइफ थी टी टेबल पर, वहाँ देखने लगी, क्योंकि उसे याद आने लगा अपना बचपन, जब बचपन में वो उस प्यूटर प्लेट पर हमेशा एक एप्पल बना हुआ जब देखती थी, तो उसे बहुत पसंद था वो प्यूटर प्लेट। प्यूटर के एक्चुअली प्यूटर का मतलब जिंक होता है, यानी जिंक का बना हुआ प्लेट, एक अलॉय होता है टिन और लेड का, उससे बना होता है। तो वो प्लेट वो तुरंत पहचान गई। उसने कहा वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, लड़की ने कहा, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने, और हम तो इन ये जो दीवारों पर जो प्लेट्स आप देख रहे हैं ना, हम इसमें भी खाते हैं। और ये सारी चीज़ें नैरेटर को पता थी। तब तक उसे वो बर्न मार्क मिल गया जिसे वो ढूंढ रही थी, और बर्न मार्क मिलते ही उस लड़की ने क्वेश्चनिंगली देखा। उसने कहा यस आई सेड वी गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तो उसने बहुत ही एम्बैरसिंगली बोला कि हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम टच नहीं कर पाते, जो हम देख नहीं पाते लंबे समय तक, और ये रिपेयर होना है अभी। और तो इन्होंने तब तक फिर अपनी वही अननेचुरल आवाज़, अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो सुनी, और इन्होंने कहा मुझे माँ की वो बातें याद आने लगी जब उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि ऐसा करो तुम मेरी हेल्प कर दो ये जो इतना सिल्वर वेयर है इसको पॉलिश करने में। और ये बहुत लंबे समय पहले की बात है, नैरेटर ने याद किया। और इसे पूरा दिन घर में रहना था क्योंकि ये बीमार थी, तो ये पढ़ाई से छुट्टी थी इनकी। तो माँ ने इससे पहले कभी मुझसे ये मदद नहीं मांगी थी कि चलो मेरी मदद करो। इनफैक्ट नैरेटर को पता ही नहीं था कि जो प्लेट्स वो यूज़ करते हैं वो सिल्वर प्लेट्स हैं। बहुत सरप्राइज हुई थी कि स्पून, फोक्स, नाइफ, ये सारे कटलरी जो वो यूज़ करते हैं वो सिल्वर का है। और उस दिन बहुत सरप्राइज हुई उसे, फर्स्ट टाइम उस दिन पता चला। तो ये लड़की हंसी, और उसके बाद से उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, नैरेटर ने कहा कि तुमको भी नहीं पता होगा कि ये सारी चीज़ें सिल्वर की हैं। तो उसने कहा ये जो चीज़ें जिनसे हम खाते हैं, उसने कहा तुम जानती हो? तो वो थोड़ी हेजिटेट हुई, यानी वाकई उसको नहीं पता था। वो साइड बोर्ड की तरफ गई और उसने ड्रॉर खोला, उसने कहा अच्छा मैं देखती हूँ यहाँ और भी है कटलरी। और ये खड़ी हो गई तुरंत नैरेटर, और उसे वो थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी कि इतना समय बीत गया और उसे ट्रेन कैच करना है, यानी ट्रेन पकड़नी है। मिसेस डॉर्लिंग तो आई नहीं। खैर उस लड़की ने ड्रॉर में देखा, क्या आप मेरी माँ के लिए वेट नहीं करेंगी, उसने पूछा, क्योंकि ये जाने के लिए खड़ी होगी। उसने कहा नहीं मुझे जाना पड़ेगा। और उस लड़की ने ड्रॉअर ओपन किया, उसने कहा मैं जा सकती हूँ, और वो चली गई। तो पैसेज में जब वो चल रही थी तो उन्होंने देखा कि वो लड़की लगता है फोक्स और स्पून्स निकाल के वाकई चेक कर रही थी, क्योंकि उसके जिंगलिंग की, उसके खनकने की, क्लैंकिंग की आवाज़ आ रही थी। तो वो चेक कर रही थी कि वो सिल्वर का है कि नहीं। ये जैसी कॉर्नर के रोड पर पहुंची, इन्होंने फिर देखा उस नेम प्लेट को, और उस पे लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। कोई डाउट नहीं था, नंबर 46, खैर वो चेक कर ही चुकी थी, तो कोई डाउट ही नहीं था कि ये एड्रेस बिल्कुल गलत नहीं है, मेरा
एड्रेस जो माँ ने मुझे बताया था मुझे याद है, वो एकदम सही है, मैं गलत जगह पर नहीं आई हूँ। लेकिन मैं अब इसको याद नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो मैंने बिलोंगिंग्स देखे थे वो सब मेरी मेमोरी से जुड़े हुए थे और मेरे पिछले दिनों को याद दिला रहे थे, उन दिनों को जिन दिनों ने वैल्यू खो तो नहीं दी थी, लेकिन हाँ जब वो उनसे सिवर्ड यानी व्हेन दे वर कट ऑफ, जब उनका पास्ट उनसे कट ऑफ हुआ, उनकी माँ उनसे छीनी, तो वो ये सारी चीज़ें एकदम से ये सारे प्रेशियस चीज़ें बहुत ही उनको इवोक करती थी, उनके अंदर उनको वो अपसेट हो जाती थी। और सबसे ज़रूरी बात कि सारी बिलोंगिंग्स को जब उन्होंने स्ट्रेन सराउंडिंग में देखा वो बहुत अपसेट हो गई। और वैसे भी वो क्या करेगी, एक छोटा सा रेंटेड कमरा लिया हुआ है उसने, जहाँ ब्लैकआउट पेपर्स जो है वो अक्सर वॉर के वक्त लगा दिया जाता है विंडोज़ पर, तो अभी भी उसके श्रेड्स वैसे ही थे। थोड़ी सी कटलरी रखती थी ये पतले से टेबल ड्रॉर में, एक अकेले के लिए कितना सामान चाहिए। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि मैं जो है बेहतर ये रहेगा कि मैं ये एड्रेस भूल जाऊं, और इन्होंने डिसाइड किया इस एड्रेस को भूलने में ही भलाई है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो माँ की थी वो ऐसे टेस्टलेस मैनर से सजी हुई देख करके वो बहुत निराश हुई, और सबसे अच्छा रहेगा कि उस सामान को भूल जाऊं, उस एड्रेस को भूल जाऊं, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। तो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन, आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, इट इज़ पुश इंग्लिश, एंड वेट फॉर दी नेक्स्ट चैप्टर टू बी अपलोडेड। थैंक यू सो मच। Yeah.